वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे नए वाले प्रॉब्लम सॉरी मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ गई थी, तो मैं अभी पुराने वाले मोबाइल से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज मैं मेरे पार्लर में दो जुड़वा बच्ची आई थी और दोनों को एक तरीके से ही हेयर कट किया था। उनका फ्रंट से हेयर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो खुद से ही कट कर लिया था, जिसकी वजह से उनका मुझे फ्रंट का लुक छोटा करना पड़ा, बट वो एक महीने में मैनेज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। तो दोनों बच्चियों का पिक्स मैंने लास्ट में डाला हुआ है ताकि आप लोग को दिख जाए। दोनों का फेस भी काफ़ी हद तक सेम था और हेयर कट भी मैंने सेम ही किया था। तो हेयर कट कैसे करने वाली हूँ, लॉन्ग टू शॉर्ट है, देख लीजिएगा आप लोग पूरा वीडियो एंड तक। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियो डालती हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ इस पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी ब्लॉग की वीडियोज़ भी आप लोग को देखने को मिलेगी। और आज इन जुड़वा बच्चियों का हेयर कट मैंने कैसे किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका ही हेयर कट करना है, दो जुड़वा बच्चियाँ हैं, दोनों एकदम सेम है। लास्ट में आपको दोनों को एक साथ खड़ा करके मैं दिखाऊंगी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं इनको कटिंग शीट लगा रही हूँ और बालों को अच्छे से गीला करेंगे और फिर कटिंग स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कितने लंबी लेंथ है और मैं इनका ईयर के ऊपर तक हेयर कट करने वाली हूँ। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। पहले मैं इनके बालों को सुलझा लूँगी, ये बाइक से आई हैं तो इनका बाल बहुत ज़्यादा उलझ गया है दोनों बच्चियों का। तो अभी इनका कट कर रही हूँ और फ्रंट से आप इनके हेयर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही ऊपर से इन्होंने कट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे इनका बैंक्स बहुत शॉर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली तो हम लोग आईब्रो तक बैंक्स रखते हैं, लेकिन हमको इनका हाफ फोरहेड तक बैंक्स कट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने पहले से ही कट कर दिया था बैंक्स को ऊपर तक एकदम छोटा छोटा। आई थिंक कि बाल वहाँ से गंजा कर दिया था, तो उसको कवर करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग में ही रखना पड़ेगा और थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में ही रखना पड़ेगा। एक मंथ में इनका लेंथ आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा सब। तो देख सकते हो अंदर वाले बाल आपको काफ़ी शॉर्ट दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से कट कर दूँगी, आईब्रो के पास से कट करूँगी तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। अंदर के बाल आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पे इन्होंने कट कर दिया है, तो इस वजह से मुझे आईब्रो तक हेयर को नहीं रख पाऊँगी और ऐसे ही कट करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए अब बैक से हेयर कट करना है। देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो क्या बोलेंगे, बच्चों के हिसाब से तो लॉन्ग ही हैं, बच्चों के इतने लॉन्ग हेयर तो नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से मैं इनका ईयर के पास से हेयर को कट करूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट कर कट कट कर रही हूँ, मतलब बॉब टाइप, बॉब कट हेयर कट। बॉब भी नहीं बोलेंगे, बेबी कट बोल सकते हैं आप इसको, इस तरीके से आप कट कर सकते हो। लॉन्ग टू शॉर्ट बोल सकते हैं, बच्चों का लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट है ये। तो इस तरीके से पहले मैं इनका लेंथ निकाल दे रही हूँ, उसके बाद मैं इनको फिनिशिंग दे दूँगी। तो आप देख सकते हो अब गर्दन को नीचे की तरफ झुकवाएंगे और जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको कट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा था तो इसको मैंने कट कर दिया, अभी बराबर करके और जो भी एक्स्ट्रा हेयर लगेगा उसको यहाँ से इक्वल कर लेंगे। गर्दन को नीचे झुकवा के और हेयर कट करते हो ना तो अच्छे से कटिंग आ जाती है, इसीलिए। ईयर के पास से भी ऐसे कट करेंगे, ओके। तो ये देख लो यहाँ से अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको इस तरीके से आप कट कर दोगे, ईयर को थोड़ा सा मोड़ के कान को और पीछे के हेयर्स को कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप भी अगर किसी बच्ची का हेयर कट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। 3 से 4 साल की बच्ची का ही ऐसे अच्छा लगेगा, उससे बड़ी बच्चियों का बॉब कट करो, फ्रंट से इस तरीके का शॉर्ट बैंग से हेयर कट कर सकते हो,
और इनके हेयर फ्रंट से ख़राब हो चुके थे, इस वजह से मुझे ऐसा हेयर कट करना पड़ा। तो दूसरी वाली बच्ची का मैं दिखा देती हूँ, दोनों ने ही एक जैसा ही आगे से लुक ख़राब कर लिया था अपना। तो ये लगभग हमारा हेयर कट इनका ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए आगे से इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया था हेयर। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक, ये देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा हेयर ख़राब कर रखा है। ये दूसरी वाली बच्ची है, बैक से घुमाई पीछे घुमाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने कट कर दिया था, ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ से गंजा ही कर दिया था और बैक से इस टाइप का लुक था। तो इनको भी कटिंग फिट बांध ले रहे हैं और कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले शावर से बालों को गीला करेंगे अच्छे से और अच्छे से सुलझा लेंगे बालों को। कभी भी आप कटिंग करते हो गीले बालों में ही कीजिए, क्योंकि सूखने के बाद से बालों का लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आप सूखे बालों में कट करते हो तो फिर वो सूखना तो उसको है नहीं, तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए आपका हेयर। तो बालों को अधिकतर गीले बालों में ही कटिंग करें। तो पहले इनके बालों को मैं कॉम कर ले रही हूँ अच्छे से। और प्लीज़ गाइस, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता फिर वीडियो, इसीलिए 25 से 30 मिनट का वीडियो हो गया था दोनों बच्चियों का कट करते करते। तो इसीलिए मैंने फास्ट कर दिया था ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। तो इस तरीके से इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं सारे हेयर्स को कट कर दूँगी। ओके, फ्रंट से भी ऐसे कट करेंगे। मुझे ऐसे तिरछा सीजर इसलिए ले जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने फ्रंट से बहुत ज़्यादा लुक ख़राब कर लिया है, इस वजह से देख सकते हो ऊपर का हेयर कवर भी नहीं हो रहा है। अंदर के बाल आपको दिख ही रहे होंगे। सो प्लीज़ घर पे ट्राई ना करें आप लोग, पार्लर में जाके अच्छे से कट करवाइए, हेयर और आईब्रो बिगड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए प्लीज़ घर पे ट्राई ना करें। और ध्यान से, बच्चे लोग बहुत दिक्कत करते हैं हेयर कट करवाते वक्त, तो ध्यान से कट कीजिए, कहीं कैंची उनके कान वगैरह पे ना लग जाए। तो जल्दीबाजी ना करें, आराम आराम से हेयर कट कीजिएगा। तो अभी मैं चेक कर ले रही हूँ और जो एक्स्ट्रा होगा हेयर उसको कट कर देते हैं। अभी बैक से चेक करके और दोबारा से कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, फिनिशिंग दे देते हैं पूरे बालों में। ओके, तो इस तरीके से। इनका भी हेयर कट लगभग कंप्लीट होने वाला है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा थोड़ा दोबारा से कट कर लेंगे। तो चलिए, दोनों बच्चियों का फाइनल लुक क्या था वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो पहले से तो काफ़ी हद तक अच्छा हो गया हेयर कटिंग का। और
और एक से एक मंथ में इनका हेयर अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और जो इन्होंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया था वो भी अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों बच्चियाँ हैं, ये बैठी हुई हैं, ये भी खड़ी होंगी तो उनके बराबर ही हैं एकदम। तो इस तरीके से हेयर कट हुआ था दोनों बच्चियों का, देख सकते हो दोनों सेम ही हैं एकदम। तो इनका फाइनल लुक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को दोनों बच्चों का हेयर कट अच्छा लगा हो और अच्छे से मतलब इन लोग का लुक आपने देख ही लिया। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन यूट्यूबर प्रीति तिवारी चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसी सपोर्ट करते। बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।